बाप पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक आकर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बन गए। सदर ममलुकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में अनवारुल हक की तकर्री पर इतफाक़ हुआ। अनवारुल हक आकर के वज़ीर आज़म बनने से छोटे सूबे की महरूमी दूर होगी। मैंने उनका नाम वज़ीर आज़म को दिया। राजा रियाज की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर आज़म नामज़द करने पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का मशकूर हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से सर अंजाम दूँगा। अनवारुल हक काकर का अज़्म। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ से चंद हफ्ते कबल सेनेटर अनवारुल हक काकर की मुलाकात हुई। मीटिंग में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी शरीक। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान की तरक्की पर बातचीत हुई। बलोच अवाम की बेहतरी और सूबे की खुशहाली नवाज शरीफ की दिल की आवाज़ है। मरियम नवाज का इजहार ख्याल। और 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, फख्र है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। 5 साल पूरे होने पर नवाज शरीफ की नाहली ख़त्म हो चुकी। उनकी वतन वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। आइंदे इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। चाहते हैं इंतखाबात जल्द से जल्द हों। नई मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। सलामा की हुकूमत के सियासी राज कभी अफशान नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मौशी सूरत हाल की वजह से वोट बैंक में कमी का एतराफ़।